बिहार सरकार शराबबंदी कानून को लेकर बेहद सख्त है। बावजूद इसके न तो शराब तस्करों पर लगाम लग पा रहा है और न ही शराब की बिक्री पर। हर रोज कई जगहों से शराब बरामदगी की खबर सामने आती रहती है। ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां शास्त्री नगर पुलिस ने एक नियोजित टीचर को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी टीचर की पत्नी ने फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि उसके पति शराब पीते और नशे में मारपीट करते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पियक्कड़ नियोजित शिक्षक को अरेस्ट कर लिया। पुलिस की तलाशी के दौरान टीचर की गाड़ी से शराब की कई बोतलें बरामद हुई। वहीं आरोपी टीचर रवि शंकर की निशानदेही पर पुलिस ने इलाके में शराब का अवैध कारोबार कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान अवैध शराब के दर्जनों बोतल को भी बरामद किया गया। बता दें कि आरोपी टीचर रवि मिठनपुरा के मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षक है। यही इस गली में था, जड़ीवंश के बाद वाली गली में था और आश्रम गली वगैरह कोई है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम सरकारी नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक कहाँ पे? मध्य विद्यालय मीठापुर अशोक में, मिलर स्कूल के बगल में है। क्या नाम है? रविशेखर सिंह। रविशेखर जी। देशवा न्यूज के लिए पटना से नीरज की रिपोर्ट।